चंद्र कर दशो इंद्री बंधन में, काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु मार गिरारण में, आशा तृष्णा विषय वासना हो जाए तेरी खत्म छन में, एक ओम नाम का सुमरण कर लिए घरा रटो चाहे रटबन में, ज्ञान की ज्योत जगह तन में जो हृदय में प्रकाश करे, जिसने ढूंढा चावे से वो तेरे भवन में वास करे। ये था एक भजन। अब दो बात, के द्रौपदी गंगा स्नान के लिए चल पड़ती है अपनी सखियों को लेकर। चलो हे सहेली सारी गंगा जी पे नहान चले, कट जाएंगे पाप शरीर के। जगदीश चंद्र हरि रटके चालेंगी सारी सहेली मलके, मंदिर की परिक्रमा करके सब्जी को नुहान चलो, भर भर लोटे नीर के। हे चलो हे सहेली सारी गंगा जी पर नहान चले, कट जाएंगे पाप शरीर के। ये गीत गाती हुई वो सारी सखी द्रोपित सहित गंगा पर पहुंच जाती है। वहां अपना हार श्रृंगार उतार के और गंगा में डुबकी लगाई। उधार पांचों पांडु लाक्षा घर से बच के, और वो भी गंगा जी पर गए हुए थे एक ओर ने, वो भी स्नान के लिए स्नान करके वो भी बाहर निकले तो द्रौपदी का फूलों का हार था वो नहीं मिला। निकलना गया है वो हार था फूला का, आयो ना दिखता किसे के भी ब्याड़े होगा के नहीं, सारे ढूंढा वो हार नहीं मिला। द्रौपदी ने बगैर सोचे समझे उन पांडु पर दोष मर दिया के साथ इन ब्राह्मणों ने इस हार को उठाया हो। भीम ने ये बात सुनी पाड़ के खा के उन द्रौपदी ने बोले अच्छा हमारा चोरी करना रे, लागी चोर बतान डाल धमकावे क्यों, मारू थप्पड़ चार हार सर लावे क्यों, के जब तू सर मारा हार न लावे तो ही पकड़ के तनरी गंगा में बगा दूंगा, सारे काम एक साथ बांध दूंगा। युधिष्ठिर देखा था ने बोला था ये साथी ने मारेगा इनने, भाज के अर्जुन ने भीम को पकड़ लिया। युधिष्ठिर ने हाल को पूछ के न्योका लागे भाई नकुल इनका हार देख ज्योतिष लगा कहा है। उस हार को एक मछली ने उठा रखा था और मछली एक चील ने उठा ली काफी ऊंचा आकाश में। अर्जुन ने जल में परछाई देख के और निशाना मारा, तीनों चीज धरती प्राण पड़ती है, ठाकर पकड़ा दिया कि ले उतरा अर्जुन से नुमारे सर जोड़े थे। शर्मिंदा होके और एक टक उस अर्जुन की तरफ देखती रही, उसकी निशानीबाजी को देखती रही। हुए छोरी सारी नुकल लगी चल भी काड़े जमी रहेगी के कैसे चालो, आज तक ऐसा हाल मैंने नहीं देखा, इतना तीर बाज ऐसा निशानेबाज शायद पृथ्वी पर कोई और, के फिर के करेगी कैसा जी करे इसकी गेल शादी को कर लो। सखियां उसको चलने के लिए कहती है, वो अर्जुन की तरफ एकटक देखती रही और क्या कहती है के था तो लूठा तो ना जाना यू आ रे, कैसे क्या कहती है ताना और ताना है।
ना मारा ओ नीचे देख चल गए मनोरंजन करवा रहे थे पहले काफी देर से 50 रुपए से मान सम्मान करती बार बार धन्यवाद किया था। एक भाई ने 100 रुपए से और मान सम्मान किया और हमारे गांव से हमारा भाई द्रोगा जी 100 रुपए से मान सम्मान वो भी करते बार बार धन्यवाद किया। दूसरी कली में उस दर्शक को देख के कैसे हैरान हुई क्या कहा छोटू राम समिति छतहरा, ये रिंकू जी छोटू राम समिति के कोषाध्यक्ष 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद। तीसरी कली में आज जोड़ के खड़ी होगी न्यूकलागी व्यक्ति कितनी खोटी बात कही और ये कितनी शांति के आदमी मिले कुछ कहा नहीं, इनसे मैं गलती मांगती हूँ क्या कहा तीसरी कली में। Yeah!
मानजों की माताजी 100 रुपए से मान सम्मान करता है, करती है माताजियों का बार बार धन्यवाद किया जाता है। ये हमारे आदरणीय श्री नफे सिंह जी लाठर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद किया जाता है। क्या एक दे ये आड़े जाते रहे और इनका पता हमने मने नहीं, और मैं मन में संकल्प कर लूं कदे खाली रह जा, ये न्यू तो पूछ लो ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, कहाँ ठिकाना है, क्या कहती चौथी कली। रणवीर सिंह पानू भाई साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद किया जाता है। बलजी टेंट हाउस बिचपड़ी हमारा मित्र 100 रुपए से मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद किया जाता है। 50 रुपए से और भाई जय भगवान लाठर ने मान सम्मान किया, इनका ही बार बार धन्यवाद किया जाता है। भूजले जगदीश चंद्र ने पढ़ दिया आना जाना, नाम काम पिता वंश का ठौर ठिकाना, हे खूब सुनिया गाना और प्रचार गंगा पे, खूब बैठी थी मैं अपना सब श्रृंगार गंगा। ये बेबे इन